गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज मैं बहुत बढ़िया सी रेसिपी स्ट्रीट फूड टमाटर चाप की लेके आ गए हैं। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ले लिया है मैंने टमाटर। टमाटर इस तरह से छोटे साइज का लेना है और थोड़े से कड़े वाले जो होते हैं वो ले लिया है और धो के साफ करके अच्छे से रख लिया है। अब मैं एक एक टमाटर लूँगी और उसको सबसे ऊपर का हिस्सा इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ और इसके बाद चाकू से मैं अंदर इस तरह से घुमाते हुए सारा गूदा मैं अंदर का निकाल लूँगी। तो देखिए कितने आराम से ये गूदा निकल गया है और अब मैं इसको उलट के रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है इसमें से निकल जाए। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ, इसमें डाल देते हैं बेसन। बेसन लगभग मैंने डाला है लगभग 4 बड़े चम्मच डाल देते हैं और अब डाल देंगे लगभग आधा चम्मच नमक। साथ ही साथ डाल दिया है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगभग 1/4 चम्मच और डालने के बाद पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं ले लेती हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बढ़िया सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी ताकि जितना अच्छा ये फिटेगा चाप उतना ही बढ़िया बनेगा, बहुत फ्लफी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और बिल्कुल मेरा ये घोल तैयार हो गया है। देखिए इतना ही मुझे थिक चाहिए और अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और मैं अब ले लेती हूँ आलू। 2 आलू ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और अदरक चॉप करके रख लिया है। अब मैं इन आलुओं को अच्छे से एक बाउल में तोड़ लेती हूँ हाथों की मदद से और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। सबसे पहले डाल दिया है जो हरी मिर्च कट के रखी थी और अदरक, वो डाल देते हैं। साथ ही साथ डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच इसमें नमक और नमक डालने के बाद डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया का पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और धनिया की पत्ती। डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को हाथों से खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो आलू मेरे बड़े बड़े हैं वो भी हाथ से मैच करने पे ये सब मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ हाथों से मिक्स करके इसको रख लिया है। अब बनाते हैं एक बढ़िया सी चटपटी सी चटनी। इसके साथ चटपटा चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ले लिया है मैंने धनिया, साथ ही साथ ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, साथ ही साथ मैंने ये टमाटर कट करके डाल दिया है और अब डाल दूंगी इसमें मैं लगभग 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और इसके बाद मैं डाल दूँ लगा दूंगी ढक्कन और इसको बढ़िया सा इसका एक चटनी मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने ये टमाटर जो मैंने रखे थे इसका पानी पूरा निकल गया है। अब मैं इसमें आलूओं को इस तरह से अच्छे से हाथों से दबाते हुए अंदर तक भरना है। जितना अच्छा ये भरेगा चाप उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इधर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे ऑयल, ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं एक एक टमाटर लूँगी और इस तरह से बेसन के घोल में डिप करके इसमें मैं डालती जाऊंगी। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी रेसिपी है, बारिश का मौसम हो, स्नैक्स का खाने का कुछ मन हो, इस तरह से आप बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में। इस तरह से मैं सारा डाल देती हूँ इसमें और डालने के बाद इसको मैं गैस को मीडियम कर देंगे ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मुझे अंदर तक इसे पकाना है। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और इसको थोड़ा सा मैं पलट लेती हूँ। देखिए कितने फूले फूले मेरे चाप तैयार हो रहे हैं और अब मैं इसी में थोड़े से हरी मिर्च ले ली है, वो भी इस घोल में डाल के उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके साथ ये मिर्ची के चाप जो पकौड़े बनेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी मैं डाल देती हूँ और डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को मीडियम आँच पे अच्छे से बिल्कुल करारा होने तक, ब्राउन होने तक इसको मुझे पकाना है। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा ये पक रहा है। ये बनारस में आप
बहुत ही ज़्यादा ये फेमस स्ट्रीट चॉप है। इसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने आज जो ये आपको रेसिपी बताई है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से मेरे सब चॉप रेडी हो गए हैं और अब मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ और बाकी के मैं चॉप भी डाल के मैं तैयार कर लेती हूँ। अब देसी स्ट्रीट फूड है तो देसी दोना ले लिया है मैंने, इस तरह से पत्तों का बना हुआ। उसमें दींचे बिछा दूंगी मैं, बढ़िया सा ग्रेट किया हुआ मूली डाल दिया है। और अब मैं डाल दूंगी ये चॉप बना के रखी थी वो डाल देते हैं इस तरह से। और इसके बाद से तीखी चटपटी सी जो मैंने हरी चटनी बनाई है वो डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं डाल देती हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा चटनी और लगा लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी, इसके ऊपर जो ये मिर्ची के पकौड़े बना के रखी थी वो साइड में इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ। इसके साथ ये मिर्ची का पकौड़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो गाइस ये मेरा टमाटर चाप बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्वाद वाला ये चाप है, आप ज़रूर बनाइएगा गाइस। थैंक यू सो मच।